दोस्तों आज के वीडियो में हम यह जानेंगे कि अच्छा बिजनेस कौन सा है और उसको कैसे शुरू किया जा सकता है। दोस्तों आज का यह जो वीडियो है वह हर व्यक्ति को समझना चाहिए, देखना चाहिए कि अच्छा बिजनेस क्या होता है, जिसे हम लोग या कोई भी नॉर्मल आदमी कहते यार कोई अच्छा बिजनेस कर लेते, कोई अच्छा बिजनेस कर लेते जिससे पैसे की कमाई होती। तो दोस्तों आज हम ये जानकारी कुछ रिसर्चों के आधार पर हाजिर कर रहे हैं, जो अगर आपको लगता है कि हाँ ये बिजनेस, ये वीडियो, ये बिजनेस आइडिया, ये तरीका सही है, तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। अगर आप किसी बिजनेस, व्यापार, व्यवसाय या स्वरोजगार, किसी भी तरीके से अगर आप पैसे कमाने के तरीके की तलाश कर रहे हैं या पैसे कमा रहे हैं या पैसे कोई बिजनेस किए हैं पैसे कमाने के बारे में, तो अगर आपके बिजनेस में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे व्यापार नहीं चल पा रहा है, कस्टमर उतना नहीं आ रहे हैं या कस्टमर आपके कस्टमर दूसरे दुकान पर जा रहे हैं, किसी भी प्रकार की समस्या आ सकती है, तो दोस्तों अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। या अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है किसी जानकारी को लेकर के, अगर गांव में रहते हैं तो ज्यादातर हम लोग गांव से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो गांव की जो भी जानकारी है हम आपको देंगे, तो आप ये भी कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। या अगर नंबर आपको मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में या आप जब जाएंगे तो फोन करके भी बात कर सकते हैं, तो ये आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि अच्छा बिजनेस क्या होता है, अच्छा बिजनेस करके हजारों रुपए से ऊपर प्रतिदिन कैसे कमाया जा सकता है, महीने का 20 से 30 40 हजार रुपया कैसे कमाया जा सकता है। आज के वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि अच्छा बिजनेस, सबसे पहले ये जानते हैं कि अच्छा बिजनेस होता क्या है, किसको कहते हैं कि ये बिजनेस अच्छा है। तो दोस्तों हम जो जानकारी इकट्ठी करके लाए हैं कुछ अनुभव के भी आधार पर और कुछ खोज के आधार पर, तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों अगर अच्छे बिजनेस की परिभाषा की हम बात करें कि अच्छा बिजनेस क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, मतलब परिभाषा का मतलब कि ये किसको कहा जाता है अच्छा बिजनेस। मान लीजिए आप उतना पढ़े लिखे नहीं है, कम पढ़े लिखे हैं, तो अगर हम परिभाषा शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो शायद आप नहीं समझ पाएंगे, फिर भी हम आपको बता देते हैं कि मतलब अच्छा बिजनेस क्या होता है। तो दोस्तों अच्छा बिजनेस का तात्पर्य सबसे पहले यह होता है हर व्यक्ति के लिए कि जो उस बिजनेस को अपने बजट के अनुसार, बात समझिएगा, अपने बजट क्षमता के अनुसार अच्छे से उस व्यापार को कर सके, मतलब उसमें उसका व्यक्ति का मन लगे उस काम को या उस व्यापार को या उस तरीके को जिससे भी वो पैसे कमाना चाहता है, उसमें उसका मन लगे और वह अपने पूंजी और बजट के अनुसार सही तरीके से उसको कर पाए। दोस्तों हमारे नजर में अच्छा बिजनेस इसे ही कहा जाता है। अब यह बिजनेस कोई भी हो सकता है, बड़ी पूंजी का भी हो सकता है और छोटी पूंजी का भी हो सकता है। ये बिजनेस शहर में भी आप कर, शहर में चलने वाला भी हो सकता है, गांव में भी चलने वाला हो सकता है। ये बिजनेस मोटी रकम, मोटी इनकम वाला भी हो सकता है और छोटी इनकम वाला भी हो सकता है। तो अच्छे का मतलब सिर्फ इतना है, मतलब जहां तक मैं समझता हूं, ये मेरा मत है कि अच्छे व्यापार का मतलब सिर्फ इतना है जिसको हम आसानी से करके पैसे कमा पाए और अपने बजट में हो, जिसके बारे में अच्छे तरीके से समझ लें। बात समझ रहे हैं ना? हमारे हिसाब से, हम अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर बताते हैं कि एक आम आदमी के लिए जो भी व्यापार है, लेकिन ये तीन चार चीजें मैंने आपको बताया इसी के रिलेटेड अच्छा बिजनेस माना जाता है। अब देखिए दोस्तों कि अच्छा बिजनेस कहां पे शुरू करके और कितना कमाई करना है इसके बारे में हम थोड़ा आपको बता दें। देखिए अगर इस समय यह जो टाइम 2024 चल रहा है, 2024 में अच्छा बिजनेस कौन कौन सा है और उसको कैसे कोई व्यक्ति शुरू कर सकता है जिससे हजारों रुपए से ऊपर की रोज की कमाई कर सकता है, तो दोस्तों अच्छा बिजनेस में तीन चार तरीके हैं। देखिए बिजनेस बहुत है और सभी बिजनेस अच्छा है, बात को समझना कहां है, मैं बताना क्या चाह रहा हूं उसको भी समझिए। देखिए जो भी व्यापार है सभी व्यापार अपने अपने जगह पर अच्छा है, लेकिन एक आम आदमी, एक गांव में रहने वाला आदमी,
अगर चाहता है कि यार हम अपने लिए भी कोई अच्छा बिजनेस करे, तो तीन चार तरीकों से आप समझ सकते हैं कि आपको क्या बिजनेस करना चाहिए, अच्छा क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है। तो दोस्तों बहुत ध्यान से समझिएगा, एक एक जानकारी महत्वपूर्ण है, बात समझिएगा। ज्यादा हवा हवाई में उड़ने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा ऊपर ज्यादा देखने की आवश्यकता नहीं है, पता लगा नीचे ठोकर लग गया। बात को समझना है, बारीकी को पकड़ना है, बस यही बात आप समझ जाएंगे ना तो आपको ये पता लग जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए। कोई भी बिजनेस है, अगर वह व्यापार आपने देखने में वो लग गया कि हाँ ये बहुत अच्छा, अगर आप उस व्यापार को कर रहे हैं, समझिएगा, देखने में आपको लगता है ये तो बहुत आसान है, लेकिन अगर आप उस व्यापार को कर रहे हैं चाहे छोटा हो या बड़ा हो, दोस्तों उसमें आपको मेहनत करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, या जो भी वर्क है आपको उसमें करना पड़ेगा। अब आपको समझना क्या है, देखिए अब हमको ये देखना है कि मान लीजिए हम किसी बिजनेस को शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो पहला चीज ये आता है कि हम इस बिजनेस को कहां शुरू करना चाहते हैं, कैसे शुरू करना चाहते हैं, कितनी पूंजी में शुरू करना चाहते हैं, और बिजनेस क्या है, क्या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप रिसर्च कर लिए, पता लगा लिए, और बिजनेस कोई ना कोई बिजनेस का भी सेलेक्ट कर लिए, कोई ना कोई बिजनेस का भी आपने चयन कर लिया कि हमें ये बिजनेस करना है, लेकिन वह अच्छे के रूप में कैसे डेवलप होगा, बदलेगा। देखिए बिजनेस, सब बिजनेस में मेहनत है, और जब आप उस व्यापार को करने लगेंगे ना तो आप यही बात सोचेंगे यार ये व्यापार मैंने क्यों शुरू किया, यार इसमें तो बहुत मेहनत है, तो इसमें ये है, इसमें ये है, प्रॉब्लम सभी जगह है। अगर आप कोई व्यापार कर रहे हैं, अगर दूसरे व्यक्ति को आप देख रहे हैं ना कि ये तो ये व्यापार कर रहा है, इस तो आपको लगेगा कि यार ये व्यक्ति बहुत आराम से ये व्यापार कर पा रहा है, और ये बहुत आसानी से यार इतना रुपया कमा रहा है, और मैं तो ये काम करता हूँ, ये व्यापार करता हूँ, ये तरीका अपनाता हूँ, यार मैं तो इतना ही कमाता हूँ, आपको लगेगा। देखिए भाई बात बिल्कुल से अनुभव की भी बात है और खोज और रिसर्च की भी बात मैं आपको बता रहा हूँ, देख देख के प्रॉब्लम आता है। अब जैसे एग्जाम्पल का एक और बात, अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का व्यापार कर रहा है जिसमें वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, और आप किसी दूसरे प्रकार का व्यापार किए हैं, आप व्यापार जब शुरू किए थे तो वह भी देख करके ही शुरू किए थे कि यार ये मैं व्यापार कर लूंगा ना तो ये फला व्यक्ति है, ये इतना व्यापार करके इतना रुपया कमाकर इतना जमीन खरीद लिया, इतना मकान बना लिया, इतना रुपया कमा लिया, आप ये देख करके किसी से मोटिवेट होकर के ही आपने उस बिजनेस को शुरू किया था या उस काम के तरीके को सीखा था, उस तरीके को अपनाया था, बात समझिएगा, बीमारी कहां है। लेकिन जब आप उस काम को करने लगे तो आपको पता लगा यार ये तो मेरा तो हो ही नहीं रहा है, बात समझना है, आपको यही लगेगा यार मेरा तो उतना कमाई ही नहीं हो रहा है। अब ऐसा करते हैं ना कि ये बिजनेस है, फिर आपको कुछ दिखेगा यार ये बिजनेस वाला व्यक्ति है ना ये तो इस समय पक्का ही कमाई कर रहा है, अब हम ऐसा करते हैं कि जो बिजनेस किए इसको धीरे धीरे, अगर इसमें नहीं कमाई हो रहा है, उतना कमाई नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा है कि इसको धीरे धीरे बंद करते हैं और वो वाला बिजनेस कर लेते हैं, या ये बिजनेस करते ही रहते हैं वो भी बिजनेस कर डालते हैं। दोस्तों ऐसा सभी के मन में, ये नहीं है कि केवल आपके मन में, सभी के मन में ऐसा ख्याल आता है और बहुत से लोग इस तरीके को अपनाते भी हैं। अब हमें समझना क्या है दोस्तों, अब इस वीडियो बनाने का मुख्य मकसद आपको बता रहा हूं, अब हम लोगों को क्या समझना है, कोई व्यापार शुरू किए हैं दिक्कत नहीं है, हमें उस बिजनेस में अच्छाई ढूंढनी है, जो बिजनेस नहीं चल रहा है ना उसको अच्छे तरीके से कैसे करके, उसको जो बिजनेस हमको खराब लग रहा है उसको अच्छे के रूप में बनाना है, उसमें मेहनत करना है, जो भी जरूरी चीजें हैं, जरूरी फैसले हैं, उस व्यापार से जुड़े फैसले वो लेने हैं, ताकि वो फिर से अगर किसी को दिखे तो ये वो अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे, ताकि वो आपका तारीफ करके जाए यार ये तो बहुत अच्छा कमा। तो देखिए शुरुआती समय में ना प्रॉब्लम झेलना ही होता है, कोई भी व्यक्ति है, जब वो जान जाएगा ना कि इस तरीके से ये व्यापार करना है, इस तरीके से पैसे कमाने हैं, तो दोस्तों वही चीज उसको अच्छा हो जाएगा, अच्छा कुछ नहीं है, अगर उसको अच्छे से करते हैं, अच्छा उसको समझ करके करते हैं, बेशक आपको प्रॉब्लम आ रहा है, अगर उसको अच्छे से करते हैं, अच्छा समझ करके करते हैं और अच्छे के लिए करते हैं, तो दोस्तों वो अच्छा हो जाएगा। अब
मैंने आपको मोटा मोटी शब्द बता दिया, अब आप इसको अगर समझ लेते हैं तो दोस्तों कोई भी व्यापार है सब अच्छा व्यापार है। आप जो कर पा रहे हैं, जिसमें आपका भी मन लगता है, जिसमें आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं, उस व्यापार को करेंगे उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा, लेकिन अगर उसको आप करते रहे अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, तो वो व्यापार आपके लिए भी अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा होगा और समझने का प्रयास जरूर किया होगा। दोस्तों बाकी जो मैंने बात बताया ना, वो खुद आजमा लीजिएगा, 100% सही बात मैंने आपको बताया। ये कुछ मैं भी व्यापारिक व्यक्ति हूं, तो जुड़ा हुआ हूं किसी न किसी व्यापार से, तो ये सब चीजें कुछ अनुभव है और कुछ रिसर्च है, तो आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।